हम जानते हैं कि नशा हमारी जान के लिए जानलेवा है, लेकिन फिर भी हम हर दिन हमारी सांसों को नशे के नाम पर कुर्बान कर रहे हैं। फल फ्रूट हमारे घर में हो या नहीं, लेकिन नशा हमारी जेब में हर वक्त रहता है। बच्चों को हम कोई चॉकलेट दिलाए या ना दिलाए, पर नशा हम सबसे पहले खरीदेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पंजाब में बेटा बचाओ का एक जबरदस्त अभियान चल रहा है। यह अभियान है पंजाब के बेटों को नशे से बचाने का, क्योंकि पंजाब में लगभग हर दूसरे दिन नशे से एक मौत हो रही है। आज पंजाब में 9 लाख लोग नशा मुक्ति केंद्रों में रजिस्टर्ड है और वहीं 25 लाख से ज्यादा लोग नशा कर रहे हैं। इन सब में डरावनी बात यह है कि इनमें स्कूल की उम्र के बच्चों से लेकर शादी की उम्र के युवा सबसे ज्यादा है, यानी कि हमारी युवा शक्ति नशे की चपेट में सबसे ज्यादा आ रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारी एक पीढ़ी इस नशे से तबाह हो रही है। ताजुब की बात यह है कि बॉर्डर से आ रहे नशे की गांव और शहरों में होम डिलीवरी हो रही है। NCRB के अनुसार पंजाब में नशे से 7 साल में 544 जाने चली गई, जबकि 2020 में कोरोना के कारण 0 मौतें दिखाई गई। वही 2022 में अब तक 19 महीने में 272 मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ 16 मार्च से 2021 से अब तक 1240 किलो हीरोइन और 145 किलो अफीम पकड़ी गई। ये वो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। उन आंकड़ों के बारे में क्या कहा जा सकता है जिनके अभी तक कोई आंकड़े ही नहीं आए? कहीं ऐसा नहीं हो कि ये आंकड़े जो सामने नहीं आए वो ज्यादा डरावने हो। नशा बेचने वालों के लिए सिर्फ ये एक धंधा है, लेकिन इसकी कीमत पैसा नहीं बल्कि हमारी सांसें है। इसकी कीमत हमारी युवा पीढ़ी की वो सांसें है जिसकी जरूरतें हमारे देश को है। उम्मीद है कि हम इन आंकड़ों को देखकर एक नई शुरुआत जरूर करेंगे। शुक्रिया।